हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की उड़ान को और ऊंचा और खतरनाक करने के लिए डीआरडीओ उनके लिए नए नए इनोवेशंस करता ही रहता है। और अगर हम हाल ही की बात करें तो इंडिया का जाना माना फिफ्थ जनरेशन ट्विन इंजन EMCA स्टिल्थ फाइटर जेट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब DRDO की लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AMCA का प्रोटोटाइप वर्जन तैयार किया है, जिसे उन्होंने इंटीग्रेटेड विंड टनल मॉडल से लेस किया है। अगर हम इस विंड टनल मॉडल की बात करें तो इसमें डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट यानी DSI और 3D बम फीचर्स लगाए गए हैं, जो रडार को इंजन ब्लेड और टर्बाइन से बाउंस ऑफ होने से प्रिवेंट करते हैं, और यही इसका एक मेजर स्टेल्थ फीचर है। इसी के साथ AMCA की नोज कॉन से थोड़ा सा ऊपर एक इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक भी लगाया हुआ है, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार के साथ मिलाया गया है, जिसमें मीडियम और लॉन्ग टारगेट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। पर अगर इस जेट के डिजाइन की तरफ ध्यान दें तो इसमें सिलेंड्रिकल स्टैंड लगाया हुआ है, जो एक बहुत ही अजीब सी बात है, और वह इसलिए है क्योंकि इससे रडार को बाउंस ऑफ करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। अगर हम इन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक की बात करें तो इन्हें डसॉल्ट राफेल SU-30 फाइटर जेट पर भी इंसर्ट किया गया था, पर AMCA पर इन्हें अब लगाया जा रहा है। हालांकि यह जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सब एक तरह से स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि अभी तक इनके अगेंस्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और यह जो भी ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं वह केवल प्रोटोटाइप को देखकर ही किए गए हैं। अगर हम इंडियन AMCA की बात करें तो इसे ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह ही बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट का वेट 25 टन का होगा, जिसकी इंटरनल पेलोड कैपेसिटी 1500 किलो और एक्सटीरियर पेलोड कैपेसिटी 5500 किलो का होगा। पर अभी इसे पहली बार बनाया जा रहा है और इसकी केवल डिजाइन ही कंप्लीट हुई है, जिसकी डिलीवरी 2030 तक इंडियन एयरफोर्स को की जाएगी। और अपने एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स 40 AMCA MK1 फाइटर जेट्स और कम से कम 100 MK2 वेरिएंट्स को 2023 तक खरीद लेगी। पर अगर हम ध्यान दें तो MK1 अभी जनरेशन 4.5++ कैटेगरी आता है, जो अभी भी एक मेजर एयर वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है। इसे एडवांस्ड रडार एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से इक्विप किया गया है, जो कई हाईली कॉम्प्लेक्स और फ्रंटलाइन मिशंस को अंडरटेक कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।